नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। 4 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम का नाम किया तय। पार्टी ने एक बार फिर सिद्धारमैया पर जताया भरोसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुहर लगा दी है। चर्चा यह भी है कि डीके शिव कुमार के पास डिप्टी सीएम के साथ ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय और प्रदेश अध्यक्ष का पद रहेगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी को मिला 3 महीने का टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया। अब सेबी को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपनी होगी। 2 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था, यानी उसे 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम गैंगस्टरों ड्रग तस्करों पाकिस्तान और चीन सहित विदेशी देशों से चलाए जा रहे आतंकवादी समूहों के बीच कथित साठ गांठ के खिलाफ कार्रवाई के तहत तलाशी लेने के लिए बुधवार को मध्य प्रदेश के भीड़ पहुंची। एनआई ने भीड़ जिले में एंडोरी थाना इलाके के चंद्रशेखरपुर में एक घर पर छापेमारी की। जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जितेंद्र ने हाल ही में कथित तौर पर विदेश से मिले पैसे में भीड़ जिले के गौदा इलाके में बड़ी जमीन खरीदी है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से युवती की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। ताजा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव की है। बिहार में बागेश्वर बाबा पर क्यों मचा सियासी बवाल? क्या जातिगत समीकरण पर भारी पड़ रही धर्म की राजनीति? बागेश्वर बाबा पटना के दरबार में प्रतिदिन 8 से 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा था। काल से चारों ओर दूर दूर तक फैला जन सैलाब किसी भी राजनीतिक दल की नींद खराब करने के लिए पर्याप्त है, जो अपनी सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए महीनों कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद भी कोई राजनीतिक दल इस तरह की जनसभा एकत्र करने में असफल हो रहता है। जा रहा है कि बाबा अपनी जनसभाओं में हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के जिन मुद्दों को उठाते हैं, उससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जातिगत समीकरण पर टिकी राजनीति को खतरा हो सकता है। मुजफ्फरपुर में ट्रेन ने साइकिल सवार को रौंदा। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने 3 घंटे तक किया हंगामा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन पखरी में बालू लदे ट्रक ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चंदन बखरी गांव निवासी विनोद मांझी के बेटे महेश मांझी 22 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्सा आए परिजन सब को लेकर चंदन बखरी पहुंचे। इसके बाद सड़क पर शव रखकर हंगामा करने लगे, जिसके दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। जानिए गृह मंत्रालय ने फिर एक बार क्यों बढ़ा दी सिक्योरिटी। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा देने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि एमएचए के आदेश पर उन्हें यह सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के अनुसार इसके बाद अब सीआरपीएफ के 22 कमांडो कुशवाहा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इनके 3 शिफ्ट में आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से खुफिया ब्यूरो द्वारा मिलने वाली खतरे की रिपोर्ट को देखने के बाद इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। मुजफ्फरपुर में एंटी रेबीज वैक्सीन के नाम पर बड़ा घोटाला हो रही थी इंजेक्शन की तस्करी। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल से चोरी करके रेबीज टीका बेचे जाने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में प्लानिंग हैदराबाद से की जाती थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हरियाणा पहुंची ओटी सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस की सेवा होगी और सुदृढ़, सीएम नीतीश ने की पुलिस थानों के लिए की विशेष व्यवस्था की शुरुआत। बिहार पुलिस की सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए बुधवार को बड़े स्तर पर वाहनों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से राज्य के पुलिस थानों एवं इकाइयों के लिए 576 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में सड़क हादसों में मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान नहीं जा रही है। करीब इसी बात में अब ताजा मामला नवगछिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के नवगछिया प्रखंड में बुधवार हुए सड़क हादसे को एक तेज रफ्तार हाईवे ने 2 किसानों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना प्रखंड के कदवा ओपी के प्रात नगर फोरेन पर बुधवार सुबह हादसा हुआ। मकई सुखाने के दौरान हाईवा ने 2 किसानों को रौंदा। प्रधानमंत्री के विजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 50 स्टेशनों पर खोले गए OSOP केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन के आगे बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बिहार के 50 स्टेशनों पर OSOP केंद्र खोले गए। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेन कुमार ने मंगलवार को बताया कि वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा अनुरूप पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण तथा अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु रेलवे तत्पर है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने धमकाया, नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन किया तो नौकरी जाएगी। बिहार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन पर उतारू नियोजित शिक्षकों को सरकार ने धमकी दी है। सरकार ने कहा कि अगर नियोजित शिक्षकों ने किसी तरह के धरना प्रदर्शन में भाग लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने इसका पत्र जारी कर दिया है।